दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंजीनियर कुमार मनीष स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में। दोस्तों अभी आपने जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि दोस्तों आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आ चुका हूं। स्वास्थ्य विभाग में 30,000 पदों पर भर्ती आने वाली है। एनएम की वैकेंसी आ रही है, जेएनएम की वैकेंसी आ रही है, स्टाफ नर्स की वैकेंसी आ रही है, डॉक्टर की वैकेंसी आ रही है। बिल्कुल दोस्तों ऑफिशियली न्यूज़ है, मैं आपको प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ। यह दोस्तों परमानेंट जॉब है, सरकारी नौकरी है, इसमें 22 जून की सबसे बड़ी खबर आपको प्रूफ भी दिखाएंगे। साथ ही दोस्तों इस वीडियो में आपको बता दें सबसे बड़ी खबर क्या है, इसमें बोला गया है कि 15 सितंबर तक आपकी ज्वाइनिंग होगी, तो ये सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में क्वालिफिकेशन क्या होगी, जॉब लोकेशन क्या होगी, सैलरी कितनी मिलेगी और इसका प्रूफ क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ऑफिशियली देंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, बिल्कुल बहुत ही बड़ी खबर है। चलिए आपको लेके चलते हैं ऑफिशियली न्यूज़ पर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और पूरा वीडियो देखिए, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैंने जो है ऑफिशियली न्यूज़ ओपन कर रखी है। दोस्तों ये जो न्यूज़ है हिंदुस्तान का ऑफिशियली न्यूज़ है, बिल्कुल आपको जो है हिंदुस्तान के ऑफिशियली ई पेपर पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, पूरी न्यूज़ मिल जाएगी, जिसमें सारी जानकारी बिल्कुल ऑफिशियली अपडेट की गई है। और यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हो, बोला जा रहा कि हमारा लक्ष्य 15 सितंबर तक इन पदों को भरने का है। तो बिल्कुल दोस्तों 15 सितंबर तक जो है आप लोगों की यहाँ पे ज्वाइनिंग होने वाली है, इसका टारगेट रखा गया है 15 सितंबर तक। तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी, मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री बिहार, तो सबसे बड़ी खबर है। तो चलिए सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे शुरू से मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। स्वास्थ्य विभाग में बम्पर बहाली, जिसमें आगे देखिए तो 6,500 डॉक्टर समेत होंगी 30,000 नियुक्तियाँ, तीसरी लहर की तैयारी। तो दोस्तों तीसरी लहर की यहाँ पे तैयारी की जा रही है, जिसमें 30,000 से अधिक पदों पर यह भर्ती होने वाली है। इसमें सामान्य विशेषज्ञ डॉक्टर की वैकेंसी होगी, आयुष डॉक्टर की वैकेंसी होगी, नर्सिंग स्टाफ नर्स की भी वैकेंसी होगी, जीएनएम की भी वैकेंसी होगी और एनएम की भी वैकेंसी होगी। इसके अलावा दोस्तों वार्ड बॉय की वैकेंसी होगी और जो ग्रुप डी की वैकेंसी है सफाई कर्मचारी की भी वैकेंसी होगी। आगे देखते हैं तो बोला जा रहा है कि राज्य ब्यूरो पटना सूबे में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने और कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग में सरकार 30,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां करेगी। नई नियुक्तियों में अकेले सामान्य और विशेषज्ञ डॉक्टर मिलाकर करीब 6,500 पदों को भरा जाएगा। 6,338 सामान्य विशेषज्ञ डॉक्टर बहाल होंगे। स्वास्थ्य सूत्रों की माने तो वर्ष 2021 से 2022 के सितंबर के मध्य विभाग में 6,338 सामान्य और विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। इनके अलावा 3,270 आयुष डॉक्टरों की बहाली भी होगी, जिसमें आयुर्वेद होम्योपैथी यूनानी पद्धति के लिए चिकित्सक होंगे। 14,000 एनएम जीएनएम के पद भी भरे जाएंगे। तो दोस्तों 6,338 वैकेंसी है जो कि डॉक्टर की वैकेंसी है और 3,270 वैकेंसी है जो कि आयुष डॉक्टर की वैकेंसी है। इसमें आयुर्वेद होम्योपैथी यूनानी पद्धति के लिए चिकित्सक होंगे। तो बिल्कुल और आगे देखिए 14,000 वैकेंसी एनएम और जीएनएम के लिए होंगी, तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और जॉब इंडिया को सब्सक्राइब कर दो। इसमें बोला जा रहा है कि 14,000 एनएम जीएनएम के जो पद हैं, विभाग से मिली जानकारी के अनुसार डॉक्टरों के साथ ही करीब 14,000 एनएम और जीएनएम की भी बहाली अगले 2 महीने में करने की विभाग की योजना है। इसमें 4,671 जीएनएम और 9,233 एनएम है। इन पदों के साथ ही तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से 7,000 पदों पर भी नियुक्ति होगी। और आगे देखिए तो बोला जा रहा है कि जिलों से एनएम के रिक्त पदों का जो ब्यौरा है इसे तलब किया गया है, तो ये बड़ी खुशखबरी है। स्वास्थ्य मंत्री और अपर मुख्य सचिवों के स्तर पर नियुक्तियों का फैसला लिए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग निदेशक प्रमुख डॉक्टर कौशल किशोर ने एनएम समर के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए जिलों से खाली पदों का जो ब्यौरा है तलब किया है। निर्देश दिए गए हैं कि बिंदुवार आरक्षित वर्गों को दिए जाने वाले आरक्षण का आकलन करते हुए स्वास्थ्य मुख्यालय को रिक्त पदों का ब्यौरा जो है दिया जाए। अब ऊपर देखिए तो 14,000 एनएम जीएनएम व 7,000 तकनीकी सेवा से जो है भरे जाएंगे। तो बीटीएससी जो यह भर्ती करने वाली है, जो कि दोस्तों यह भर्ती बिल्कुल परमानेंट करती है और यह भर्ती
बीटीएससी करेगी 14,000 एनएम की और जेएनएम की 7,000 जो यहाँ पे वैकेंसी है, इसका जल्द ही नियुक्ति भी होने वाली है। आगे देखिए, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला लिया गया है, आयुर्वेद होम्योपैथी यूनानी चिकित्सकों की भी होगी बहाली। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ी खबर है। आगे देखिए, 15 सितंबर तक सभी पदों को भरे जाने का स्वास्थ्य मंत्री ने दिया भरोसा। तो बिल्कुल 15 सितंबर 2021 तक जो है यह टारगेट रखा गया है, आप लोगों की जो है भर्ती हो जाएगी। अब इसमें देखिए, स्वास्थ्य विभाग में इन पदों पर होगी बहाली। इसके अलावा दोस्तों जो नर्स की वैकेंसी है, लगभग 5,000 वैकेंसी स्टाफ नर्स की है और 120 वैकेंसी वार्ड बॉय के लिए रखी गई है और लगभग 400 वैकेंसी सफाई कर्मचारी के लिए रखी गई है। इसके अलावा देखिए तो सामान्य विशेषज्ञ डॉक्टर के लिए 6,338 वैकेंसी है, आयुष डॉक्टर के लिए 3,270 वैकेंसी है, जेएनएम के लिए 4,671 वैकेंसी है, एनएम के लिए 9,233 वैकेंसी है। नीचे देखिए तो स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में स्वास्थ्य विभाग कई अहम कदम उठा रहा है। इसी कड़ी में 30,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियों का फैसला लिया गया है। हमारा लक्ष्य 15 सितंबर तक इन पदों को भरने का है। तो दोस्तों ये बिहार के लिए बड़ी खबर निकल के आ रही है। इसमें दोस्तों बीटीएससी भर्ती करने वाली है, 30,000 वैकेंसी है, एनएम की वैकेंसी है, जीएनएम की वैकेंसी है। अब एनएम में दोस्तों अगर आपने जो है 2 साल का कोर्स कर रखा है, एनएम कोर्स कर रखा है, तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकती हो। इसके अलावा जो है आपको बता दें, जीएनएम में अगर आपने जीएनएम का रखा है 3 साल का और फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकती हो। और यहाँ पे स्टाफ नर्स के लिए जीएनएम और बीएससी नर्सिंग फॉर्म को अप्लाई करेंगे, साथ ही आयुष मेडिकल ऑफिसर में बीएएमएस बीयूएमएस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। और जो यहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर की वैकेंसी है, इसमें एमबीबीएस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। दोस्तों यह 21 जून की सबसे बड़ी खबर है, ऑफिशियली खबर है। मैंने दोस्तों आपको प्रूफ भी दिखा दिया है। तो दोस्तों आपको बता दें, अगर आपने जो है एनएम का रखा है, जीएनएम का रखा है, बीएससी नर्सिंग का रखा है, तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई करोगे। इसके अलावा अगर आपने जो है 10वीं पास कर रखा है, तो वार्ड बॉय के लिए अप्लाई कर सकते हो, सफाई कर्मचारी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दोस्तों जुलाई में जो है नोटिफिकेशन जारी करने वाला है। जुलाई में जो है टारगेट रखा गया कि जुलाई तक जो है या अगस्त तक, 15 अगस्त या 15 सितंबर, तो जो टारगेट है 15 सितंबर से पहले जो है आप लोगों का यह ऑफिशियली नोटिफिकेशन नए तरीके से बीटीएससी के द्वारा जारी किया जाएगा। ये बिल्कुल सबसे बड़ी खबर है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी इन्फॉर्मेशन है, नीचे आप लोग कमेंट कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों अभी आपने जो है जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि दोस्तों आपके लिए बड़ी खबर लेकर आते हैं। और जो भी नोटिफिकेशन होती है, बिल्कुल ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन होती है गवर्नमेंट जॉब की, उसकी भी इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं, एडमिशन की भी इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं और न्यूज़ की भी इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं। तो जल्दी से जो है जॉब इंडिया को सब्सक्राइब कर दो और बगल का बेल आइकन घंटा भी प्रेस कर देना नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।